नमस्कार जी सबको, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल PB02VCR एंड VHS क्लासेस पे। तो लीजिए जी, एक जी बार आया हुआ है मेरे पास, बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो इसके कुछ पहले मैं फीचर्स बताता हूँ। इसका भी VTR यहाँ पे इजेक्ट है, ये रिवर्स है, प्ले है, फॉरवर्ड है, ये पॉजिटिव है, स्टॉप है और रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग करता है नहीं करता भाई, मेरे को नहीं इसकी चीज़ का पता। तो नेशनल का ये नेशनल की बैजिंग है ऊपर। ये रीसेट मेमोरी क्लॉक है, यहाँ कुछ चैनल स्विच होते हैं तो इनका रिकॉर्डिंग में कोई काम रहता है। तो ट्रैकिंग यहाँ से है, प्लस माइनस, ठीक है। पिक्चर शार्प एंड सॉफ्ट है, ठीक है जी। और टाइमर का ऑन ऑफ है ये, तो ठीक है जी। इसका लोगो यहाँ से है नहीं, वो मैं पहले बता रहा हूँ भाई, वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो कंडीशन इसकी इस प्रकार है। इधर से पेज मैंने खोले हुए ताकि अंदर से दिखा पाऊँ, वो भी दिखाऊंगा अभी। तो ऑडियो वीडियो इन एंड आउट है, RF इन एंड आउट है। तो इसका सीरियल नंबर आया नहीं है जी, पीछे से नहीं है इसका, तो वो क्या कह सकते हैं इसके बारे में, जब है ही नहीं तो बस फिर वो ही हो जाती है बस। तो चलिए इसका मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये जी बोर्ड की कंडीशन, बिल्कुल ओके कंडीशन में है बोर्ड। मैकेनिज्म भी साफ सुथरी कंडीशन में है। हेड आप देख सकते हैं, ओरिजिनल जेन्युइन जो हेड है वही है, ठीक है जी। अच्छी कंडीशन में है जी, ले देके। और ये ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ते दाम में आया है तो सस्ते दाम में जाएगा। ये G12 है लिखा हुआ, देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर की सप्लाई है इसमें, वो आप देख सकते हैं। इसकी भी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है ट्रांसफार्मर की सप्लाई की, ठीक है जी। तो इसका ढक्कन लगा देते हैं जी और फिर आपको वीडियो का शॉट दिखाते हैं जी। ये कहाँ से कैमरा पकड़ना और ये लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए मैं इसको लगा देता हूँ अभी, एक मिनट का पाउज लेके और के ऐसे लगा देते हैं, बाद में सेट कर दूँगा मैं इसको। तो अभी चलिए मैंने रफली तरीके से लगा दिया है क्योंकि वीडियो बनानी है अभी, तो ये अच्छे से फिट करके बनाऊंगा मैं। तो चलिए जी आपको वीडियो का शॉट दिखाता हूँ, बने रही वीडियो में जी। तो लीजिए जी, मैंने इसको पावर दे दी है, ये मैंने VTR ऑन किया है। तो मैं कैसर का शॉट दिखाता हूँ, आवाज़ मैंने म्यूट कर रखी है जी, ठीक है जी। ये मैंने प्ले दबाया जी, काउंटिंग चल पड़ी है वहाँ पे, ठीक है जी। और ये स्क्रीन देख सकते हैं, और ये मैं रिमोट से आवाज़ कर देता हूँ, मैं बंद क्यों होता है को कमी में कर रहा ना, ऐसे ही तुझे निकाल दूंगा। चलिए बंद कर दिया आवाज़, अब मैं कह सकता कम से कम नहीं तो 4-5 मिनट का आपको शॉर्ट दे दूंगा। एक ही रास्ता मूवी है जी, सर बहुत अच्छी कंडीशन में है, क्वालिटी भी अच्छी है और पूरा उसका सामने है, ठीक है जी। सब चल रहा है आपके सामने, नेशनल G12। परसों मैंने 11 डाला था, आज 12 है, ठीक है जी। तो चलिए पहले रिवर्स फॉरवर्ड कर देते हैं। ये मैंने स्टॉप दबाया जी, स्टॉप हो चुकी है, अब रिवर्स दबाते हैं सबसे पहले। मैंने रिवर्स दबा दिया, कैसा रिवर्स होने लगी है काउंटिंग आप देख सकते हैं। ये स्टॉप करते हैं और ये फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड भी हो जाएगी। स्विच जो बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं इसके, ठीक है। तो स्टॉप करते हैं, एग्जिट कर देते हैं, कैसा स्विच लाभ बाहर है। अगेन आपको कैसे का शॉट दिखा देता हूँ, प्ले दबा दिए। देख सकते हैं जी आप,
इसकी आवाज़ करके दिखाता हूँ। कॉपीराइट की वजह से होता है यार ये सब, अदरवाइज नहीं तो हमें कुछ जरूर नेम भी लगा देंगे, सिर्फ सिर्फ कॉपीराइट का वजह से। आपके सामने पिक्चर चल रही है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये राजीव जी 12 बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो चलिए जी, जिस किसी भाई को भी VCR चाहिए या VHS चाहिए या VCR रिपेयर करवाना है या VHS टू पेन ड्राइव करवानी है या VCR से रिलेटेड कोई भी सर्विस है, तो आप मुझसे मेरे स्क्रीन पर नंबर पर बात कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, आपके कमेंटों से हमें मोटिवेशन भी मिलती है, ठीक है। और जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो ये वीडियो लंबा बनाने का इसी सिर्फ यही मकसद होता है कि VCR कैसा चल रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात VCR चलाने में क्या होती है कि कैसेट्स आप सही लगाएं, सही मतलब वो फंगस ना हो, कैसेट में साफ सुथरी कैसेटें हो, तो ये जो टेक्नोलॉजी है बड़ी अच्छी है, तो फिर ये अच्छे से वर्क करती है। अगर सपोज आपका कैसेट बुरी लग गई, ख़त्म ख़राब हो गई, तो आपका हेड गंदा कर देगी, ठीक है जी। हेड गंदा होगा तो पिक्चर के आउटपुट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, कैसेटें अच्छी लें, जिससे भी लें, साफ सुथरी लें और चलाएं भी साफ सुथरी इसमें, ताकि आपकी जो VCR की मशीन है उसकी लाइफ लंबी हो सके। क्योंकि कैस्टे रही साफ रहेगी तो हेड की जो है वो लाइफ कम हो जाएगी और हेड जल्दी से मिलते नहीं है। चलो खैर, हमारे पास तो ये सुविधा है लेकिन हर किसी के पास ये सुविधा ही नहीं है, हर सिटी में नहीं है। क्योंकि अगर ले आए तो अच्छे से उसको इन्जॉय कीजिए और प्लीज़ संभाल के चीज़ को यूज़ कीजिए। चलो थैंक यू सो मच जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका। तो चलो इजेक्ट कर देते हैं, स्टॉप किया थोड़ी देर होगी और इजेक्ट हो गया कैसेट। तो थैंक यू सो मच जी यहाँ तक देखने के लिए, धन्यवाद आप सबका।